माता के मंदिर में हनुमान जी भी आ चुके हैं। हनुमान जी आए हैं देखो, और आप उनको छेड़ेंगे नहीं, और उसी के बगल में है हनुमान जी का मंदिर। जय बजरंगबली, जय हो। एक बड़ी सी शिला के नीचे माँ विराजमान है यहाँ पर, और उस शिला को पेड़ ने पूरा, पेड़ों की जड़ों ने पूरा जकड़ा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर और भक्त। वो जो पेड़ है वो है वटवृक्ष, जो कि हम लोग बट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें पूजा करते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ के जो आसपास के गांव हैं वहाँ की महिलाएं बट सावित्री का जब व्रत होता है यहाँ पे आती हैं और अपनी पूजा अर्चना करती हैं माता रानी से, उस व्रत को सफल बनाने की मनोकामना यहाँ पर मांगती हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है, और मैं माता रानी से ये मांगना चाहूँगी आप लोगों के सामने कि आप लोगों का प्यार हम पे ऐसे ही बना रहे और हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, और आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही हम पे बना रहे और बहुत सारे लोग हमसे, नए नए लोग जुड़ते ही रहें, बस यही मनोकामना है। आज का ट्रिप बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। दो बार रास्ता बंद था बट ऐसा है ना, दो बार दो जगह हुआ है ना, आप सीधे ही जाना। अच्छा अच्छा एक तो ऐसा पहले इधर को जाएगा, हाँ। तो जंगल की तरफ को जाएगा, उधर को नहीं जाना। अच्छा वो तो छोटे रास्ते गए होंगे इधर। हाँ हाँ वो भी ऐसी रास्ता बना है ना। जय माता दी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं गेट पे, और यहाँ पे मंदिर है माता रानी का। तो सूर्या देवी का जो मंदिर है, यात्रा यहीं से शुरू होती है, और हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है यहाँ से। जय माता दी। दोस्तों अभी हम जो चोरगलिया वाली रोड थी वो हमने छोड़ दी है, अभी हम पूरा ऑफ रोड जंगल के बीच में जा रहे हैं। ये चोरगलिया का जंगल है, आप देख सकते हो ये पूरा कच्चा रास्ता है। हमको अभी पूरा 5 किलोमीटर ऐसे ही जाना है इसी रास्ते में, और फिर आएगा सूर्या देवी का मंदिर जहाँ पर हम पहली बार जा रहे हैं। उससे पहले हमने 2 बार हम लोग आए थे यहाँ पर तभी हाथी आने की वजह से बंद था, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है नंदौर में, और यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमारा लग रहा तो हमको हाथी दिखेंगे यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत हाथी, बाघ, हिरन, ये सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा जंगल है आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। बढ़िया मज़ा आ रहा है इस वाली रोड में, ट्रैकिंग का आनंद भी मिल रहा है साथ साथ हमको मंदिर के साथ साथ। जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं वो भी जंगल ट्रैक भी कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा रास्ता है, ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर जहाँ पर जो रास्ता था चोरगलिया के यहाँ और इधर के लिए जो रास्ता कटा, वहाँ पर एक प्रवेश द्वार है, मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो पुजारी जी थे उन्होंने बताया कि अभी हम आज के दिन में हम लोग पहले हैं इस वाले रूट से जाने वाले, तो जब भी यहाँ पर कुछ त्यौहार ऐसा कुछ होता है तो तभी यहाँ पर बहुत पब्लिक रहती है, और नॉर्मली दिनों में थोड़े कम ही लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो अभी तक हमको यहाँ पर कोई भी नहीं मिला है, बहुत ही, ये पूरा रास्ता आप देख सकते हो, ये पूरा रास्ता कच्चा रास्ता है, ये देखिए गाड़ी फिसल भी रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कुछ जानवरों के पैरों के निशान भी हमको दिख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमको कुछ जानवर दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे। आज माता रानी ने हमें बुला ही लिया है, और वो भी हम पहले भक्त होंगे, इस महीने के पहले भक्त, माघ का महीना शुरू हो गया है और दर्शन करने के लिए हम पहुंचे हैं। अभी तक पंडित जी ने बताया कि अभी तक यहाँ दर्शन करने के लिए कोई भी नहीं आया है, हम ही हैं पहले। और बहुत बढ़िया जंगल है यहाँ पे, सुनसान एकदम, और गाड़ी वहाँ तक जाती है, तो आप 4 व्हीलर भी लेके आएंगे तो वो भी अलाउड ही है,
और आप लोग अगर ट्रैकिंग करना चाहते हैं पैरों से, खुद से चल के माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है यहाँ का रास्ता और जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़ू जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहीं मिल जाएंगे सारे जानवर। यहाँ पे आते हैं तो रास्ता भटकने वाली तो कुछ बात ही नहीं होगी, क्योंकि रास्ते पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे और एरो का निशान है कि किस रास्ते से जाना है। बस हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं माता रानी के दरबार में और बहुत एक्साइटमेंट है आज के ट्रिप की, बहुत सुंदर होने वाला है अभी का ट्रिप। अभी तक का तो बहुत सुंदर है और आगे भी माता रानी के दर्शन होंगे तो बहुत ही शुभ हो जाएगा। तो आप लोग ऐसी बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसी हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपको बहुत से अद्भुत मंदिरों के दर्शन करवाते रहेंगे। हम लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुके हैं, 2 से 2.5 किलोमीटर और बचा हुआ है मंदिर। और ये जंगल में अभी हमको यहाँ पर एक पानी का तालाब भी मिला था, उसके आसपास भी पैरों के निशान थे जानवरों के। आप लोग आते हो तो यहाँ पर अकेले ना आए, 2-3 लोग साथ में आए तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप बातें करते करते आप जंगल में डरेंगे भी नहीं और बोर भी नहीं होंगे। और साथ ही यहाँ पर जब आप आते हैं तो अपनी जो भी आप जिस भी साधन से आते हो, बाइक या कार से, तो एक बार ज़रूर उसके टायर ये सब कुछ चेक करके आए, क्योंकि पूरा जंगल है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है और पूरी ऑफ रोड है, तो गाड़ी पंचर वंचर हुई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जंगल में पूरा उसको पैदल ही घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, यहाँ तो जानवरों की आवाज़ आ रही है, इतने बड़े बड़े जानवर। चलो चलो देखते हैं देखते हैं। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी मेरे से, जो मेरे चैनल में है प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में, उनको पता होगा कि हम लोग सूर्या देवी मंदिर में पहले भी आए थे, लेकिन हाथियों के आने से यहाँ पे रास्ता बंद हो चुका था, इस वजह से हम उस दिन दर्शन नहीं कर पाए थे। तो जिस जिसने वो वीडियो देखी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आज मैं फाइनली आपको दर्शन करवाऊंगी। तो हम जाने वाले हैं, ये नदी पार करके। आप लोगों से निवेदन है, जब भी आप यहाँ पर आते हैं नदी के सामने नहाए ना, नदी को शुद्ध बनाए रखे हैं, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखे हैं। माँ सूर्या देवी, माँ भगवती आप लोगों पर कृपा करेगी। दोस्तों ये माता का मंदिर है और ये देखिए माता के मंदिर में हनुमान जी भी आ चुके हैं। हनुमान जी आए हैं देखो, और आप उनको छेड़ेंगे नहीं, और उसी के बगल में है हनुमान जी का मंदिर। जय बजरंगबली, जय हो। और देख सकते हो आप,
एक बड़ी सी शिला के नीचे माँ विराजमान है यहाँ पर, और उस शिला को पेड़ ने पूरा, पेड़ों की जड़ों ने पूरा जकड़ा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और वो जो पेड़ है वो है वटवृक्ष, जो कि हम लोग वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें पूजा करते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ के जो आसपास के गांव हैं वहाँ की महिलाएं वट सावित्री का जब व्रत होता है यहाँ पे आती हैं और अपनी पूजा अर्चना करती हैं माता रानी से, उस व्रत को सफल बनाने की मनोकामना यहाँ पर मांगती हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है, और मैं माता रानी से ये मांगना चाहूँगी आप लोगों के सामने कि आप लोगों का प्यार हम पे ऐसे ही बना रहे और हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, और आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही हम पे बना रहे और बहुत सारे लोग हमसे, नए नए लोग जुड़ते ही रहें, बस यही मनोकामना है। यहाँ पर एक मंदिर में हम लोग दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के साथ में। यहाँ पर हनुमान जी के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं, वो बार बार हमारे पास में आए, आपने देखा। और इधर भी एक मंदिर है, हम आपको लेके चलेंगे। वैसे बंदर कितने सारे हैं आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा माता रानी के सामने चरण झुका के, और बहुत महीनों बाद हमें यहाँ आने का मौका मिला है। पहली बार ही हमारे दर्शन करे, हमने दो बार हम लोग यहाँ पे आए लेकिन मौका नहीं मिल पाया, आज ही मौका दिया माता रानी ने अपने दर्शन करने का। और वटवृक्ष आप देख सकते हैं पीछे, उसी के नीचे तट पे मंदिर के वहीं पे नदी के वहीं पे मंदिर है, माता रानी की मूर्ति रखी हुई है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे त्यौहार में और पर्व होते हैं नवरात्रियों में तो यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बहुत सारी मनोकामना मांगी हुई है वट वृक्ष पे, धागे और चुनरी बात के मनोकामना मांगी है सभी लोगों ने, और पूरी वो जो टहनी है वटवृक्ष की वो पूरी उसी से भरी हुई है, पूरी चुनरी ही चुनरी वहाँ पे लटकी हुई है। बहुत बहुत ही अच्छा दृश्य है, और बगल में ही भैरव देवता का मंदिर है, और उसी के मंदिर के इस साइड में भैरव देवता का मंदिर है और लेफ्ट साइड में भी एक और मंदिर है ऊपर। और यहाँ पर बंदर बहुत हैं क्योंकि बंदरों को भी यही चाहिए होता है कि कोई इंसान आ रहा है तो कुछ खाने को लेके आएगा, तो उसी आस से वो लोग भी आते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें छेड़ेंगे या कुछ ऐसे मार रहे हैं पत्थर से लकड़ी दिखाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आप पे हमला तो करेंगे ही करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, शांत रहिए, वो लोग भी बहुत शांत रहते हैं अगर उन्हें आप छेड़ेंगे नहीं तो। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का दर्शन करके, हमें मज़ा आया एकदम। और अब यहाँ पे आश्रम है, थोड़ा सा दूर जाके वहाँ पे हमें कोई पंडित जी दिख रहे हैं तो हम वो आश्रम में जाएंगे और उनसे पूछेंगे इस मंदिर का क्या महत्व है और यहाँ के बारे में क्या क्या ऐसी जानकारियाँ हैं जो अभी हम लोगों तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जानकारियाँ आपको देते रहें और ऐसी ऐसी बातें बताते रहें रहस्यमय जो अभी तक आप लोगों ने सुनी भी नहीं होंगी कभी। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ।